नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, केंद्र सरकार ने उच्च पद गैर आईएएस अधिकारियों के लिए खोल दिए हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे सीधे अनुभवी व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट की जाएगी, ताकि गुड गवर्नेंस के लिए मदद हो। जो भी व्यक्ति जिसका अपने कार्य क्षेत्र में 15 साल का अनुभव है और 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो सीधे इंटरव्यू लेके इनकी नियुक्ति करेगी। सरकार चाहती है कि कारपोरेट सेक्टर हो, यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, वहां के अनुभवी व्यक्तियों का फायदा देश के गुड गवर्नेंस के लिए होना चाहिए। खबर के पीछे की खबर यह है, क्या कारपोरेट सेक्टर में 15 साल काम करने के बाद अपना उज्जवल भविष्य और मोटी तनख्वाह छोड़ अच्छे लोग वाकई सरकारी नौकरी में आएंगे? दूसरी बात, जो लोग आएंगे वो वही होंगे जिन्होंने 15 साल तक कारपोरेट सेक्टर में काम करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, इसलिए उनकी तरक्की नहीं हुई? क्या ऐसे लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के ऊपर नियुक्त किया जाएगा? वर्तमान में जो सरकारी ढांचा है उसके साथ कारपोरेट सेक्टर के लोग आके क्या तालमेल बिठा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो आईएएस लॉबी काम कर रही है, वो लॉबी क्या बाहर के लोगों को अपने यहां एडजस्ट होने देगी? और एक सवाल है, क्या मोदी सरकार वर्तमान आईएएस अधिकारियों से काम लेने में विफल हुई जो उन्हें कारपोरेट सेक्टर के अनुभवी लोगों की ओर देखना पड़ रहा है? इन सवालों के जवाब तो समय देगा। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।